हेलो फ्रेंड, मैं दीपान्विता, आपके दीपान्विता किचन में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं दही लस्सी। तो दही लस्सी में हम पहले ही दही को मिक्सर में दे दिया है और इसमें अब चीनी डालेंगे। 2 चम्मच चीनी डालेंगे, 2 टीस्पून, और आप इसमें काजू किशमिश भी डाल सकते हैं ग्राइंड के लिए। और इसके अलावा आप जो जब लस्सी तैयार हो जाए तब उसमें काजू किशमिश डाल के खा सकते हैं। और इसमें जाएगा थोड़ा सा 1 चिमटी नमक। तो देखिए हम कैसे कर सकें। अब हम मिक्सर को घुमाएंगे, इसमें 2 चम्मच चीनी डाल के और एक पिंच नमक, और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। मेरा दही बर्फ़ में जमा हुआ था, इसीलिए इसमें बर्फ़ नहीं दिया, दही बर्फ़ हो गया था। तो इसमें थोड़ा सा पानी दिया है। आप ढक्कन बंद करके हम इसको घुमाएंगे मिक्सर में। देखिए दुकान में जैसा बबल वाला लुक आता है वही आया है, उसके लिए ही हमने मिक्सर को यूज़ किया है। आप चाहे तो मिक्सर को यूज़ मत करें, हाथ से भी वो दाल घुटने का जो काटा होता है उससे भी कर सकते हैं, मगर ये फेना वाला जो लुक है वही वो नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको मिक्सर को यूज़ करना पड़ेगा। तो अब हम इसको सर्व करेंगे। देखिए वो जो फेना वाला लुक है दुकान का जैसा, वही हमने किया है। आप इसमें काजू किशमिश और पिस्ता बादाम और अखरोट भी डाल सकते हैं और केसर भी डाल सकते हैं, मगर मेरी बेटी ये पिएगी तो उसको ये सब पसंद नहीं है, वो उसको सिंपल पसंद है, तो हमने वही किया है। आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, केला भी ऐड कर सकते हैं ग्राइंड के समय में, और आम भी यूज़ कर सकते हैं, वो आम लस्सी हो जाएगा, केला लस्सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम हम आपको केला लस्सी आम लस्सी करके दिखाएंगे। गर्मी के समय में ये बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए, ठंडाई शरीर ठंडा हो जाता है। जब भी कोई धूप से आएगा तब आप ये करके दे सकते हैं। तो इसके लिए मेरा चैनल आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरे जो रेसिपी आएगा उसके लिए लाइक करना पड़ेगा, और सब्सक्राइब के बाद जो बेल बटन आता है उसको दबा देना, क्योंकि मेरा जो रेसिपी आएगा चैनल में वो आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले। तो नमस्ते, आप लोग मेरे साथ रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कोई मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर सकते हैं। नमस्ते।